तो आज असी कहानी पढ़न जा रहे हैं। कहानी का नाम है एकता विच बल है। एक पिंड विच एक सियाणा किसान रहिंदा सी। उस दे चार पुत्तर सन। वह चारे आपस विच लड़दे झगड़दे रहिंदे सन। किसान अपने पुत्रां नूं लड़दिआं वेख के बहुत परेशान रहिंदा सी। हुण वह बुढ़ा हो गया सी। उसने सोचा कि उसकी मौत उपरंत तां उस दे झगड़ालू पुत्र आपस में लड़ झगड़ के छेती ही तबाह हो जाएंगे। वो अपने पुत्रां नूं आपस में मिल के काम करन दी सिक्ख्या देनी चाहुंदा सी। एक सोची समझी व्योंत अनुसार बुढ़ा किसान बीमारी दे बहाने मंजा मल के पै गया। हुण उस दे पुत्रां नूं भी फिक्र होया। वो सारे वारी वारी पिता जी का हाल पुछण लई उस कोल आउण लगे। एक दिन किसान ने अपने चौहान पुत्रां नूं अपने कोल बुलाया। जदों चारे पुत्र इकट्ठे हो गए तां बुढ़े किसान ने कुछ छोटियां लकड़ियां मंगवाईयां। जदों लकड़ियां आ गईयां तां किसान ने उन्हां नूं बन्नण लई कहा। हुण बुढ़े किसान ने अपने इकल्ले इकल्ले पुत्र नूं लकड़ियां दा गट्ठा तोड़न लई कहा। सारिआं ने वारी वारी जोर लाया पर वह गट्ठा तोड़ ना सके। फिर बुढ़े किसान ने कहा, इस गट्ठे नूं खोल दिओ अते एक एक लकड़ी वक्खरी वक्खरी कर दिओ। जदों लकड़ियां वक्खरियां वक्खरियां हो गईयां तां किसान ने अपने पुत्रां नूं एक एक लक्कड़ तोड़न लई कहा। सारिआं ने झट ही एक एक लक्कड़ आसानी नाल तोड़ सुट्टी। हुण किसान ने अपने पुत्रां नूं समझाउंदिआं कहा कि जे तुसीं इन्हां लकड़ियां वांग लड़ झगड़ के इकल्ले इकल्ले रहोगे तां कोई भी तुहानूं नुकसान पहुँचा सकदा है, पर जे तुसीं सारे लकड़ दे गट्ठे वांग इकट्ठे रहोगे तां कोई तुहाडा कुछ भी नहीं विगाड़ सकेगा। पुत्रां नूं हुण सारी गल समझ आ गई सी। उन्हां ने अगे तो आपस विच ना लड़न दा प्रण कर लिया ते अपने पिता नूं मिलजुल के रहण दा वचन दिता। हुण किसान अते उस दे पुत्र खुशी खुशी रहण लगे। सिक्ख्या एकता विच बल है जां एके विच बरकत है।